السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله आज सैटरडे स्पेशल क्लास के अंदर टॉपिक जो आपके सामने मुझे रखना है वह है तौहीद के असरात इंसानी जिंदगी पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अक्सर तौहीद के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और अक्सर हमारे यहाँ मसाजिद में तौहीद का जिक्र किया जाता है, तौहीद पर खुतबे दिए जाते हैं, पर कई लोगों को इस पर ताज्जुब होता है कि बार बार तौहीद की बात क्यों, क्यों इसी उनवान को बार बार जिक्र किया जाता है, क्या वजह है कि तौहीद को बार बार आपके तस्करों के अंदर आप लोग लाते हैं। ये सवाल लोगों के जहन में पैदा होता है। आज के इस उनवान का मकसद ही यही है कि आपको ये पता चलना चाहिए कि तौहीद की अहमियत क्या है, तौहीद की फजीलत क्या है और तौहीद के इकरार करने पर इंसानी जिंदगी पर क्या असर आते हैं। और इंशाअल्लाह जब बातें मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आज हमारे जितने भी मसाइल हैं, जितने भी करंट अफेयर्स जितने भी हैं, जितने भी मसाइल से हम जूझ रहे हैं, उन तमाम मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ तौहीद के अंदर रखा है। तौहीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक इंतहाई जामिअ, इंतहाई अफजल और आला चीज करार दी है। तौहीद मतलब अल्लाह को एक मानना, इबादत में इस बात में कि वही दुनिया का पैदा करने वाला, खत्म करने वाला और चलाने वाला है, और अस्मा और सिफात में वो अकेला है, जितने उसके नाम उसकी सिफात हैं उस जैसा कोई नहीं, ना था ना है ना होगा। इन तीनों चीजों को जब मिलाया जाए तो उसे तौहीद कहा जाता है। तौहीद में सबसे पहले आपके सामने तौहीद की फजीलत और अहमियत बताता हूं कुछ पॉइंट्स की शक्ल के अंदर कि तौहीद की फजीलत और अहमियत क्या है। तौहीद की फजीलत और अहमियत की अगर हम बात करें, नंबर वन, इस कायनात की, इंसान और जिन्नात की पैदाइश का मकसद है तौहीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 और 57 के अंदर इरशाद फरमाता है, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ। यकीनन अल्लाह ताला कहता है कि मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मैं उनसे रोजी नहीं चाहता, बल्कि अल्लाह खुद रोजी का देने वाला है। और यहां पर अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का मतलब बताया है अल्लाह ताला की तौहीद, कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया उसकी तौहीद के लिए, जिन्नात को पैदा किया उसकी तौहीद के लिए, कि अल्लाह ताला को एक माना जाए, अल्लाह ताला की मिल्कियत, अल्लाह ताला का पैदा करना, अल्लाह ताला का दुनिया बनाना, इस तमाम तखलीकात के पीछे एक मकसद है, अल्लाह एक है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राजिक है, वही बनाने वाला, वही पैदा करने वाला और वही इस कायनात का खत्म करने वाला है। नंबर टू, बंदों पर अल्लाह का एक ही हक है, वो है तौहीद। भाई अल्लाह ताला ने हमें जान दी, दौलत दी, पैसा दिया, हर चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब अता कर दी तो अब हमारा हक क्या है, कौन सा हक हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का अदा करना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बयान फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 2856 के अंदर आपने सवाल किया सहाबी से, हल तदरी हक्कुल्लाह अला इबादिही, तुझे पता है कि अल्लाह ताला का कौन सा हक है बंदों के ऊपर, पता है तुझे हक? सहाबी ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, आप बताइए क्या हक है। तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला का बंदों पर यह हक है, अय्याबुदूह, कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना करो। तौहीद अल्लाह का हक है। अल्लाह ताला ने जब पैदा किया, हमें जिंदगी दी, माँ के पेट में जिंदा रखा, दुनिया में जिंदा रखा, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, जान माल इज्जत हर चीज दी, तो अब यह हक है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि हम उसे एक माने, हम उसकी वहदानियत को पहचाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी मकसद से कायनात को बनाया और अल्लाह ताला ने इस मसले को, अल्लाह ताला ने इस तौहीद को अपना हक बताया है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए। नंबर थ्री, रसूलों के दुनिया में आने का मकसद तौहीद। लोग कहते हैं ना, बहुत तौहीद तौहीद बयान करते हो, बार बार तौहीद पर बयान करते हो, तो वह हम बयान नहीं करते। रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर जब इतना ज्यादा तौहीद का तस्करा किया, तो एक मुसलमान होने के नाते आपकी मेरी जिम्मेदारी कि हम तौहीद को आम करें, और क्यों ना करें। जब हम आज देखते हैं
कि तौहीद का दावा करने वाले, अल्लाह ताला को एक मानने का दावा करने वाले औलाद कहीं और मांगते हैं, नजरों नियाज कहीं और करते हैं, तलाश करने रोजी कहीं और जाते हैं, तो इस दौर के अंदर तौहीद का बयान बहुत ज्यादा जरूरी है। और नेक्स्ट मैं अपने अगले टॉपिक के अंदर इसी टॉपिक के दूसरे हिस्से में बयान करूंगा कि आज हमारे जितने भी मसाइल हैं उसका हल यही तौहीद। अगर तौहीद नहीं तो किसी मसले को आप हल नहीं कर सकते। नंबर थ्री, रसूलों के दुनिया में आने का मकसद तौहीद। सूरह नहल आयत नंबर 36, अल्लाह ताला का फरमान, वलकद बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन इबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, कि हमने हर कौम के अंदर रसूलों को भेजा, नबियों को भेजा। इन रसूलों की बिअसत का मकसद क्या था, क्यों भेजा रसूलों को? हर दौर में रसूल, हजरत आदम से सिलसिला चालू है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कभी कभी एक ही वक्त में दुनिया में कई कई नबी रहे, रसूल रहे, तो ये पूरी कड़ियों को चलाने का, तकरीबन 1,24,000 नबियों को भेजने का मकसद क्या है? यही तौहीद। क्यों ना तौहीद को अहमियत दी जाए, क्यों ना तौहीद के दर्स को आम किया जाए, क्यों ना तौहीद को समझा जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह नहल आयत नंबर 36 के अंदर इरशाद फरमाता है, वलकद बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अने अबुदुल्लाह वजतनिबुत तागूत, कि हमने हर कौम के अंदर रसूलों को भेजा और इनके भेजने का मकसद था अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा जिसकी भी इबादत करते हो उन्हें छोड़ दो। तागूत मतलब अल्लाह के सिवा जिसकी भी इबादत की जाए वो तागूत है। तागूत को छोड़ दो, गैरुल्लाह को छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो। यानी दुनिया में जितने नबी आए सबकी दावत का बुनियादी मकसद यही तौहीद था। आज हमारे यहां होता है कई लोग दावत का काम करते हैं, सिर्फ फजीलत बताइए, नमाज की तरफ बुलाइए, सिर्फ हुकूमत के कयाम की तरफ बुलाइए, सिर्फ इत्तेहाद की दावत दीजिए। याद रखिए कि अगर आपकी दावत का स्टार्टिंग पॉइंट वो नहीं जो अल्लाह के नबी ने बताया, आपकी दावत कभी कामयाब ना होगी। जितने नबी दुनिया के अंदर आए, हजरत नूह, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह इरशाद फरमाया, वलकद अरसलना नूहन इला कौमिहि फकाला या कौमी इबुदुल्लाह, कि हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जब दुनिया के अंदर भेजा उन्होंने एक ही दावत दी, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। कौम आद, कौम समूद की तरफ नबी भेजे गए, वही दावत। जितने अंबिया दुनिया के अंदर आए, यहां तक कि आपके और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर आए, आपने सबसे पहली दावत यही तौहीद दी और इरशाद फरमाया, कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कामयाब हो जाओगे। यानी आपने अपनी दावत की बुनियाद इब्तिदा स्टार्टिंग करार दिया तौहीद। क्यों ना तौहीद को सीखा जाए, क्यों ना तौहीद को पढ़ा जाए, क्यों ना तौहीद के दर्स को आम किया जाए कि जब रसूलों के भेजने का मकसद यही तौहीद था और हर नबी की पहली दावत थी तौहीद। नंबर फोर, अल्लाह के नबी ने जब किसी को दावत व तबलीग के लिए भेजा, सबसे पहली उसे दावत सिखाई तौहीद। नंबर फोर, तौहीद क्यों, क्यों तौहीद की बात करते हैं हम, तौहीद की फजीलत और अहमियत क्या है, ये अहमियत मैं आपको बता रहा हूं और एक दो फजीलतें भी आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अहमियत कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबी को दावत व तबलीग के लिए भेजते तो आपने उसे भेजने के वक्त ये बुनियाद बताया कि दावत देना है तो तौहीद की दावत सबसे पहले देना। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 4347, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो उन्हें हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया, इन्नका तअती कौमन मिन अहलिल किताब, ए माज इब्ने जबल, मैं आपको अहले किताब यानी यहूद और नसारा के पास रसूल बनाकर भेज रहा हूं, मैं तो आपको दावत देने वाला बनाकर भेज रहा हूं, सुनिए। आप उन्हें सबसे पहली दावत क्या दीजिएगा, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तौहीद। पहली दावत तौहीद, अगर वो माने, अल्लाह का इकरार करें, मेरी रसालत का इकरार करें, तब नमाज रोजा जकात हज बताना, नहीं तो सबसे पहली दावत क्या रहेगी, तौहीद। आज कितना लोग तौहीद की बात मत करो लोग दुश्मन हो जाते हैं, शिर्क की बात मत करो लोग दुश्मन हो जाते हैं, चाहे दुनिया दुश्मन हो जाए, हर नबी के दुश्मन हुए, मेरे और आपके नबी के दुश्मन हुए, मक्का से निकालने की वजह यही तौहीद बनी, चाहे दुश्मनी हो जाए दुनिया नाराज हो जाए, लेकिन आपकी दावत का सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो यही तौहीद रहेगा। तौहीद की बहुत ज्यादा शरीयत में अहमियत है कि इबादत में अल्लाह को एक मानो, इस मामले में एक मानो कि वही मालिक है, उसके सिवा कोई मालिक नहीं, और जितने उसके अस्मा है, जितनी उसकी सिफात है, ये सिर्फ उसकी खासियत है, उसके सिवा किसी की खासियत नहीं। तौहीद बुनियाद है, तौहीद मकसद है, तौहीद जिंदगी है। जब तक इसे अपनी जिंदगी नहीं बनाओगे इन मसाइल से नहीं निकल पाओगे। तौहीद की अहमियत और फजीलत में पॉइंट नंबर 5,
अमल की कबूलियत की शर्त तौहीद है। आप कोई भी अमल कर लीजिए, कितना अच्छा अमल कर लीजिए, नमाज, रोजा, जकात, हज, इबादत, गरीबों को खाना खिलाइए, चाहे जो अमल कर लीजिए, अगर आपके पास तौहीद नहीं तो अल्लाह आपका कोई अमल कबूल नहीं करेगा। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, सूरह अल्लाह ताला ने सूरह जुमर के अंदर इरशाद फरमाया आयत नंबर 65 कि हमने अल्लाह के नबी आपकी तरफ भी वही कर दिया और आपसे पहले जो रसूल आए उनकी तरफ भी वही कर दिया कि अगर आप शिर्क करेंगे हम आपके अमाल को बर्बाद कर देंगे। सोचिए, नबी कभी शिर्क कर सकते हैं? नबी के साथ ये मामला हो सकता है? हरगिज नहीं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों को यह हुक्म देकर उम्मत को समझा रहा है कि मैं नबियों को यह हुक्म दे रहा हूं, हमने आपको और आपसे पहले जितने नबी आए सबको ये वही करके बता दिया कि अगर आप शिर्क करेंगे अमल को बर्बाद कर देंगे हम। यानी अमल की कबूलियत की शर्त तौहीद है। तौहीद है तो अल्लाह अमल कबूल करता है, नहीं तो आप चाहे जितने अमल कर लीजिए, रब्बुल आलमीन आपके अमल को तब तक कबूल नहीं करेगा जब तक आपकी जिंदगी में तौहीद ना हो, आपके अमल में तौहीद ना हो, आपकी जबान पर तौहीद मौजूद ना हो। यह तौहीद की अहमियत और फजीलत है। और इसी हमारे नुक्ता जो अव्वल चल रहा है उसका लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, गुनाहों की माफी का जरिया है तौहीद। गुनाहों की माफी का जरिया है तौहीद। दलील सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 3540। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, या इब्न आदम इन्नक लव अतैतनी बिकुराब अल-अर्ध खताया ثم لو اتيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها المغفرة। ए इब्न आदम, अगर तू दुनिया के सारे गुनाह करके मेरे पास आ जाए और तूने शिर्क ना किया हो तो मैं दुनिया की मगफरत लेकर तुझसे मिलूंगा। यानी ये तौहीद गुनाहों की माफी का जरिया है। अगर आपके पास तौहीद है ना, अगर आपकी जिंदगी में तौहीद है ना, आप एक अल्लाह को पुकारते हो, एक अल्लाह से मांगते हो, एक अल्लाह के आगे झुकते हो, तो फख्र कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको गुनाहों की माफी का जरिया अता किया, जन्नत में दाखले का जरिया अता किया है, रब की रजा का जरिया अता किया है। तो इस बात पर एक मोमिन को बड़ा फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मुझे तौहीद परस्त बनाया है। सोचिए आप, ये तो मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, अगर हम पूरी बातें तफसील से करने जाएं ना और ज्यादा इसके अंदर आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 8 लिख लीजिए, अल्लाह की पहचान होती है तौहीद से। तौहीद से अल्लाह की पहचान होती है। अल्लाह क्या है? आज आप देखते हैं ना, बंदा जरा सी तकलीफ में आता है, इधर भागता है, उधर भागता है, इधर रास्ता उधर रास्ता, क्योंकि तौहीद नहीं है उसके पास। तौहीद अगर बंदे के पास आ जाए ना तो उसे अल्लाह की अजमत पता चल जाती है। सिर्फ एक सूरत मिसाल के तौर पर आप देख लें, सूरह इखलास, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक है, यकीनन अल्लाह बेनियाज है, ना उससे कोई पैदा हुआ ना वो किसी से पैदा हुआ, यानी ना उसकी औलाद ना उसके माँ बाप, और कोई उस जैसा नहीं। अल्लाह की अजमत इस एक सूरत के अंदर बयान कर दी गई। इसीलिए तो मुहद्दिसीन ने लिखा, सहाबा इकराम ने कई जगह बयान किया कि रब्बुल आलमीन अगर सिर्फ सूरह इखलास नाजिल कर देता कुरान में तो काफी हो जाती। अल्लाह की अजमत, अल्लाह की पहचान तौहीद परस्त को होती है, जो सिर्फ अल्लाह को पुकारता है। कितनी तकलीफें आ जाए उसे फिक्र नहीं होती, कितना परेशान हो जाए उसे टेंशन नहीं होता। क्यों? मेरा रब मेरे साथ, मेरा खालिक मेरे साथ, मेरा मालिक मेरे साथ। तो तौहीद से अल्लाह की पहचान होती है। शिर्क करने वाले को अल्लाह की पहचान नहीं होती, तौहीद परस्त को अल्लाह की पहचान होती है। वो अल्लाह ताला को पहचानता है, वो अपने रब को पहचानता है कि मेरा रब कौन। ना औलाद का मोहताज, ना माँ बाप का मोहताज, ना कोई उस जैसा, वो बेनियाज, वो किसी का मोहताज नहीं। तो क्यों ना मैं उसे पुकारूं, क्यों ना मैं उससे मांगू, क्यों ना मैं उसके आगे झुकूं। ये उसको मिलता है जो सही मायनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झुकता है और उसकी तौहीद का इकरार करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आता हूं, जो मेरा उन्वान भी है, तौहीद के असरात इंसानी जिंदगी पर। अगर आपने तौहीद को मान लिया, आपने तौहीद का इकरार कर लिया, आपने अपनी जिंदगी को तौहीद वाली जिंदगी बना लिया कि इबादत में अल्लाह एक, मालिक होने में अल्लाह एक, नाम और सिफात में अल्लाह एक, हर चीज में अल्लाह अकेला तन्हा, उसका कोई शरीक नहीं, मैं किसी को उसका शरीक नहीं बनाता, मैं उस जैसा किसी को नहीं मानता, मैं उसका साथी किसी को नहीं मानता। अगर आपकी जिंदगी में तौहीद है तो आज जितने मसाइल हमारे ऊपर हैं उन तमाम मसाइल का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने मसाइल बताता हूं। नंबर वन,
डिप्रेशन, टेंशन है ना, एक बहुत बड़ी आज परेशानी। जितना कारोबार का लेवल लो होता चला जा रहा है, उतना डिप्रेशन का लेवल हाई होता चला जा रहा है। फिक्र, गम, टेंशन। आप कभी सीरत उठाकर देखें, मेरे और आपके नबी की जिंदगी उठाकर देखें, क्योंकि हमारे लिए वो जिंदगी आइडियल और नमूना है, कुछ नहीं है। मक्का से परेशानी के आलम में निकाले जा रहे हैं, दुश्मन पीछे साथ चल रहा है। कौन सी चीज थी जो सुकून देती थी उन्हें? कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी चीज का गम नहीं। माल छीन लिया गया सहाबा से, गम नहीं। औलाद छीन ली गई सहाबा से, गम नहीं। घरवार छीन लिया गया, गम नहीं। क्या चीज थी जो उन्हें सुकून दे रही थी? तौहीद। दलील आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सही मुस्लिम हदीस नंबर 34, इरशाद फरमाया, ज़ाका तअमुल ईमान मन रदिया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया। उसे ईमान की लज्जत मिलती है। हर चीज की एक लज्जत होती है। हम कोई भी चीज खाते हैं ना, टेस्ट के लिए खाते हैं। जो पसंद आता है टेस्ट वो खाते हैं, जो नहीं पसंद आता उसे हम लोग छोड़ देते हैं। हर चीज के अंदर एक मजा होता है। अल्लाह के नबी ने कहा ईमान का भी एक मजा होता है, ईमान का एक मजा होता है। वो मजा जानते हैं किन लोगों को मिलता है? जो इस बात का इकरार कर ले कि मेरा रब सिर्फ अल्लाह, मेरा दीन सिर्फ इस्लाम, और मेरे रसूल सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्हीं की इताअत, उन्हीं की पैरवी, उन्हीं की बातों के आगे झुकना, सिर्फ दीन इस्लाम को मानना, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत यानी तौहीद। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो इन तीन चीजों को मान ले उसे ईमान की लज्जत मिलती है। और लज्जत का मतलब सुकून, इत्मीनान। माल जाता है जाता रहे, कारोबार चले तो चले, ना चले तो ना चले, औलाद हो और पैदा होने के बाद चाहे चली भी जाए। पचासों वाकयात है इस सिलसिले के अंदर, एक दो नहीं, ढेरों वाकयात। सहाबा इकराम के पास जो सब्र था ना, सहाबा इकराम के पास जो सुकून था ना, उसकी बुनियादी वजह यही तौहीद थी कि मेरा रब है ना मेरे साथ, कोई हो ना हो, कोई जाने ना जाने, कोई साथ दे ना दे, मेरे साथ मेरा रब है। ये चीज सहाबा को सुकून देती थी, अल्लाह के नबी सल्लम को सुकून देती थी। आज जब अपने अपनी जिंदगियों के अंदर कई खुदा खड़े कर लिए, जिंदगी से सुकून गारत हो गया, औलाद नहीं हो रही, यहां जाइए, वहां गए यहां नहीं वहां जाइए, वहां गए वहां नहीं यहां जाइए, सुकून खत्म। जिंदगी के अंदर कश्मकश लगी हुई है, परेशानी लगी हुई है, दौड़ धूप लगी हुई है, हर दिन नया दर तलाशा जा रहा है। लेकिन जो अल्लाह के आगे झुकने वाला होता है उसे पता होता है यही तो है देने वाला, कौन देगा इसके सिवा, यही अता करने वाला। वो झुक जाता है, मांगता है, रुक जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि मेरा रब देने वाला। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया, दिलों का सुकून तौहीद से आता है। दूसरा, एक टेंशन बहुत ज्यादा है, गुनाह। बड़े गुनाह हमसे होते हैं, खताएं होती हैं, लफ्जिशें होती हैं, चाहते ना चाहते हम गुनाह कर बैठते हैं, बचना चाहते हैं लेकिन गुनाहों से बच नहीं पाते, बार बार गुनाहों के अंदर मुलविस हो जाते हैं। अब इन गुनाहों से बचने का जरिया क्या है? यही तौहीद। गुनाहों से बचना चाहते हो ना, तौहीद, तौहीद को रिवाइज करो, अपने दिल के अंदर उसको जिंदा करो, बार बार तौहीद का तज़किरा करो, उससे आप गुनाहों से दूर और नेकियों के करीब होते हैं। आज हमारा दूसरा बड़ा मसला क्या है? गुनाह, खताएं, हराम, जो हमारी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा हम लोगों ने बना लिया है, उससे खुद को अगर बचाना है तो यही तौहीद है जरिया। दलील, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान, सूरह अनआम आयत नंबर 59, तौहीद अगर दिल में आ जाए ना, गुनाह बुरे लगते हैं, गुनाह से दूरी आसान हो जाती है, गलत से दूरी आसान हो जाती है, और नेकियों के करीब आना आसान हो जाता है। बड़ी प्यारी आयत, मैं कहता हूं कि इस आयत का तो अपने घरों के अंदर दर्स दीजिए, अपने घर वालों को भी इस आयत को समझाइए। रब्बुल आलमीन का फरमान, वइंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्र वल बहर وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के पास गैब की कुंजियां हैं, उसके सिवा कोई गैब का जानने वाला नहीं। समंदर में क्या है अल्लाह जानता है, जमीन में क्या है अल्लाह जानता है, यहां तक कि इस सारी जमीन पर जितने दरख्त हैं, अगर उन दरख्तों से कोई पत्ता भी गिरता है रब जानता है, हर गीली चीज जानता है, हर सूखी चीज जानता है।
अल्लाह अकबर। ऐसे अल्लाह का तसव्वुर, ऐसे अल्लाह का एहसास, ऐसे अल्लाह की तौहीद कि मैं कुछ नहीं जानता, मेरे घर के अंदर अगर मैं 10 दरख्त लगा दूं, उन दरख्तों के पत्ते गिन नहीं सकता, एंट्री कर नहीं सकता। मेरा अल्लाह वो है कि इस सारी जमीन पर जितने दरख्त हैं उनसे गिरने वाले पत्तों को भी जानता है। जमीन के अंदर क्या वो जानता है, समंदर की गहराइयों में क्या वो जानता है। और सोचिए ऐसे रब का तसव्वुर अगर दिल के अंदर आ जाए, बताइए गुनाहों से दूरी आसान होगी कि नहीं, नेकी करना आसान होगा कि नहीं, नींद चाहे कितनी आए नमाज से मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं होगी। यानी नेकियों का शौक होगा और गुनाहों का खौफ होगा जब बंदा यह जान जाए कि मेरा रब कौन है। हमने रब को नहीं जाना, हमने रब की अजमत को नहीं जाना, हमने अपने रब को पहचाना ही नहीं। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है ना, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, इन लोगों ने अल्लाह की वैसी कदर नहीं की जैसी करना चाहिए, पहचान ही नहीं पाया अपने रब को। रब की पहचान आ जाती है तौहीद से, तौहीद हमें रब की पहचान देती है, तौहीद हमें रब का तसव्वुर देती है, तौहीद हमें अल्लाह के करीब कर देती है और नेकियों के करीब और गुनाहों से दूर कर देती है। जब हमें इस बात का एहसास हो जाए कि यकीनन वही हर चीज का जानने वाला और हर चीज का समझने वाला। इसमें एक मिसाल, एक दलील इस पॉइंट में आप और लिख लीजिएगा, सूरह लुकमान आयत नंबर 16, तर्जुमा सिर्फ कर देता हूं, आप चाहें तो उसे खुद लिख लीजिएगा अपने पास। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइज काला, जब हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, उन्होंने यही तौहीद बताई नेकियों के करीब लाने के लिए, इसी तौहीद को बताते हुए इरशाद फरमाया, या बुनैया इन्नहा इन तकू मिथकाला हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावात या औ फिल अर्ध याती बिहा अल्लाह। ए मेरे बेटे सुन, अगर तू कोई गुनाह कर ले और गुनाह करके समंदर में डाल दे, पहाड़ों में छुपा दे, जमीन में छुपा दे, अल्लाह उसे लाने की ताकत रखता है, अल्लाह उसे लाएगा, तेरे सामने जाहिर करेगा, तुझे दिखाया जाएगा, तेरे सामने तेरा गुनाह, तेरी खता, तेरी गलती रब्बुल आलमीन लाएगा। सोचिए ऐसे रब का तसव्वुर अगर दिल के अंदर आ जाए तो क्या करेगा बंदा, नेकियों के करीब और गुनाहों से दूर, नेकियों के पास गुनाहों से दूर, जितना मुमकिन होगा नेकियां करेगा और अपने आप को गुनाहों से बचाएगा। जब यह तसव्वुर दिल के अंदर आ जाए, मैं सारे जितने हमारे मसाइल है ना, इनको इंशाअल्लाह इसी तौहीद से जोड़कर आपको समझाना चाहता हूं कि आज हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका एक हल है, वो है तौहीद। तौहीद को अपनी जिंदगी बना लो, तौहीद को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लो, इंशाअल्लाह हर मसाले के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको आराम और सुकून अता करेगा इंशाअल्लाह। तीसरा मसला है हमारा, जरा से में हमारे पैर उखड़ने लगते हैं, लर्जा आ जाता है। तौहीद का एक बहुत बड़ा असर नंबर 3 ये होता है, शख्सियत में मजबूती आ जाती है, पर्सनालिटी मजबूत हो जाती है, हर एक के सामने डटने वाला इंसान बन जाता है। आज होता है ना, जरा सा कुछ मामला आया, इधर भागे उधर भागे, घबरा रहे हैं, इससे डर रहे हैं उससे डर रहे हैं। आज यही डर तो हमें ले डूब रहा है और इसी डर का पूरा पूरा एक कम्युनिटी फायदा, एक कम्युनिटी फायदा उठा रही है कि सिर्फ खौफ डाला जाए मुसलमानों के अंदर। डर डर डर, खौफ इतना ज्यादा डाल दो कि ये कुछ कर ही ना पाए, दीन का काम ना कर पाए, अच्छाई का काम ना कर पाए। इनकी पूरी जो शक्ल है, इनकी पूरी इमेज जो है, इतनी ज्यादा बिगाड़ दो कि ये अच्छा भी बोलने जाए तो बुरा नजर आए। लेकिन तौहीद की बरकत जानते हैं, तौहीद जब दिल के अंदर होती है ना, शख्सियत मजबूत हो जाती है, शख्सियत जम जाती है और उसके कदम के अंदर लर्जा नहीं आता। दलील दलील आप देख लें, सूरह यूसुफ आयत नंबर 39, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक इल्जाम लगाकर जेल में डाल दिया गया, जेल में है, सहूलतों में है, परेशानियों में है, पर उस वक्त भी डटे हुए, मजबूत इरादा, मजबूत, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, बल्कि अपने साथियों को क्या दावत दे रहे हैं, 39 नंबर आयत के अंदर वो दावत देते हुए कहते हैं, या साहिबी सिजन, ए मेरे जेल के दो साथियों सुनो, अरबाब मुतफर्रिकून खैर अम अल्लाह अलवाहिद अलकहार। ए मेरे साथियों बताओ, ए मेरे साथ वालों बताओ, इतने सारे माबूद बेहतर हैं या वो अकेला रब जो सारी ताकत वाला है, बताओ कौन बेहतर है। तौहीद ने उन्हें कितनी मजबूती अता कर दी थी, जेल के अंदर थे लेकिन ताकत कितनी थी, कुव्वत कितनी थी, जेल की सहूलतों के अंदर दावत और तबलीग का काम कर रहे हैं और कौन सी दावत, यही तौहीद। यानी उस तौहीद ने उनकी शख्सियत को इतना मजबूत बना दिया था कि वहां पर भी वो जाकर कहते हैं, ए मेरे जेल के साथियों बताओ, तुम्हारे इतने सारे माबूद जिसकी तुम इबादत करते हो, बारिश का अलग, खाने का अलग, रोजी का अलग, इसका अलग, उसका अलग, इतने सारे बेहतर या मेरा एक बेहतर जो सबसे ज्यादा ताकत वाला है,
कहार है, गालिब है, हर चीज का जानने वाला है। आपने इस जरिए से उन्हें तौहीद की दावत दी और ये बताया कि रब्बुल आलमीन एक, शख्सियत में मजबूती आ जाती है। इस पॉइंट की दूसरी दलील लिख लीजिए, सूरह अनआम आयत नंबर 81। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, काफिरों ने जब उनसे मुनाजरा किया और उन्हें डराना चाहा, डराना, घबराना, खौफ डालना चाहा, वो डरा रहे, इतने सारे माबूद हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, डरा रहे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत कितनी मजबूत थी इस तौहीद की वजह से कि वो जुमला क्या कहते हैं, कैफा अखाफु मा अशरकतुम, कैसे डरूं मैं उनसे जिनको तुम अल्लाह का शरीक बनाते हो, और तुम उस अल्लाह से नहीं डरते जो अकेला है, ताकतवर, कुवत वाला है, कैसे डरूं मैं इन माबूदों से, क्या हैसियत है इनकी, क्या ताकत है इनकी, क्या कुवत है इनकी, अता करने वाला, देने वाला, जिंदगी मौत, इज्जत जिल्लत देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन, कैसे डरूं मैं इनसे जिनको तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो, और तुम उस अल्लाह से नहीं डरते जो सब कुछ अता करने वाला है। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इस मुनाजरे के जरिए मुसलमानों को, हम लोगों को यह पैगाम दे रहे हैं कि अगर तौहीद अंदर में हो तो शख्सियत मजबूत हो जाती है, ताकत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है, गलबा आ जाता है, अल्लाह ताला के आगे झुकना और सिर्फ अल्लाह से डरना आ जाता है जब बंदा मोमिन अपनी जिंदगी के अंदर तौहीद को लाता है। लेकिन जहां तौहीद ना हो, गैरों का तसव्वुर हो, गैरों की इबादत हो, तो वहां पर शख्सियत में कभी भी मजबूती नहीं आती। मैं एक एक मसला बता रहा हूं और उस मसले का हल तौहीद बता रहा हूं। नंबर 4, दुश्मनों का खौफ। आज कितना खौफ है ना हमें, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसी प्लानिंग है, फला प्लानिंग है, न जाने क्या हो जाएगा, खौफ, दुश्मनों का खौफ। उस खौफ से निकलने का जरिया है तौहीद। एक तौहीद सारे मसाइल का हल, एक तौहीद दुनिया की सारी परेशानियों का हल, खौफ का खात्मा करती है ये तौहीद और अमन का कयाम करती है, अमन को कायम करती है। अल्लाह ताला का फरमान सूरह अनआम आयत नंबर 82, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीन आमनु वलम यलबिसु ईमानहुम बिज़ुल उलाइका लहुमुल अम्न, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और अपने ईमान के साथ शिर्क को नहीं लाए, यानी सिर्फ ईमान मतलब अल्लाह, एक तौहीद, सिर्फ अल्लाह को एक माना, ईमान के साथ जुल्म नहीं किया मतलब शिर्क नहीं किया, जानते हो ना इनाम अल्लाह क्या देता है, उलाइका लहुमुल अम्न, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को अमन और सुकून अता कर देता है। खौफ का खात्मा, गम का खात्मा, फिक्र का खात्मा। अब देखिए ना, अक्सर तौहीद परस्त जो लोग होते हैं ना, उनके जुमले यही होते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अल्लाह है ना, अल्लाह है ना, कोई टेंशन की बात नहीं, अमन सुकून। रब्बुल आलमीन इतना ज्यादा अमन और सुकून अता कर देता है ऐसे लोगों को जो रब्बुल आलमीन की तौहीद का इकरार करते हैं, और सिर्फ इकरार नहीं करते, अपने अमल के अंदर लाते हैं, उनके अमल के अंदर तौहीद पाई जाती है, ऐसे लोगों की जिंदगी में रब्बुल आलमीन सुकून डाल देता है। खौफ खत्म, गम खत्म, फिक्र खत्म, किसी चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ, मेरा खालिक मेरे साथ, मेरा मालिक मेरे साथ, और अगर मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा राजिक मेरे साथ, दुनिया की कोई ताकत मुझे तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। मैं सिर्फ एक एक, समझ लीजिए कि टॉपिक बता रहा हूं आपको, एक एक पॉइंट के अंदर हम और ज्यादा बातें कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि ज्यादा बातें आप तक इस टॉपिक के तहत मैं पहुंचा दूं इंशाअल्लाह। पॉइंट नंबर 5, बीमारियों में सब्र आ जाता है। आज एक बड़ा मसला हमारा बीमारियां बनी हुई हैं, तरह तरह की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। कोरोना जब से आया तब से बीमारियां कहीं ना कहीं और ज्यादा नजर आने लगी, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, तरह तरह की बीमारियां, बीपी और शुगर तो आम बीमारी बन गई है, हर तरह की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। इन बीमारियों में सब्र कैसे आता है? तौहीद से। क्यों, कैसे, क्या तरीका, एक्सप्लेन इसको किया जाए, कैसे पता चलेगा कि बीमारियों का इलाज या बीमारियों पर सब्र देने वाली चीज भी तौहीद है। दलील आप देखें, अल्लाह ताला का फरमान सूरह यूनुस आयत नंबर 107, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वहीं अमसकल्लाहु बिदर फला काशिफ लहू इल्ला हू, वहीं युरिदक बिखैर फला राद्द लिफज़्लिह। इतनी प्यारी बात कि इसके बाद एक मोमिन को गमी नहीं होगा,
बीमारियां भारी नहीं लगेंगी, हर बीमारी आसान नजर आएगी। क्यों? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ देने पर आ जाए उसके सिवा कोई हटाने वाला नहीं, और अल्लाह अगर कोई फजल देने पर आ जाए उसके फजल को कोई रोकने वाला नहीं। यानी तकलीफ आए तो देने वाला भी अल्लाह, कोई हटा नहीं सकता, और अगर इनाम देने पर आ जाए तो कोई रोक नहीं सकता। अब जब हर चीज का देने वाला अल्लाह, तो बीमारियों पर मोमिन को क्या जाता है? सब्र। ये बीमारी मेरे रब की तरफ से, मेरी रब की तरफ से मेरा इम्तिहान है, मेरे गुनाहों की माफी है। हालांकि इस पर मैं एक टॉपिक आपके सामने यूट्यूब पर अलग पहले बयान कर चुका हूं, बीमारियों के फायदे, उसमें मैंने बताया कि बीमारी बुरी नहीं होती, लेकिन जब बीमारी आती है बोलना बड़ा आसान। उस बीमारी में सब्र करना, बीमारी पर सब्र का मुजाहरा करना, यह तब आता है जब बंदे के दिल में तौहीद मौजूद होती है। बीमारी आई अल्लाह की तरफ से, जाएगी अल्लाह की तरफ से, देगा वही, अता वही करेगा, तो फिर किस बात की फिक्र करना, फिर कहां भटकना, फिर कहां शिफा ढूंढने जाना, क्योंकि शिफा का देने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। जैसा कि अल्लाह ताला दूसरी जगह अर्शात फरमाता ना, वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो शिफा सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है, उसके सिवा कोई शिफा का देने वाला नहीं है। वही शिफा का अता करने वाला, वही बीमारियों से निकालने वाला, वही तकलीफों से निकालने वाला। यानी बंदाए मोमिन अगर अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार कर ले, बंदाए मोमिन अगर अल्लाह ताला की तौहीद को समझ ले, तो बीमारियां भरी नहीं लगेंगी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम मिसाल देख लीजिए, हजरत अय्यूब बीमार थे, सालों साल बीमार रहे, बीमारी के आलम में जब तौहीद दिल के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत थी, अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे, ए अल्लाह तूने इम्तिहान तो लिया है पर सब्र की ताकत दे, सब्र की ताकत नहीं, सब्र की ताकत तू दे, तू अता कर, तू देने वाला है, तू रहम करने वाला है, रहम कर दे। यानी उस हालत में भी सब्र देने वाली चीज ये तौहीद थी। तौहीद सब्र देती है बीमारियों में, तकलीफों में, परेशानियों में। ये तौहीद अगर अंदर में हो ना, सब्र आ जाता है। कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, जब ये अंदर यकीन है, देने वाला भी अल्लाह, हटाने वाला भी अल्लाह, शिफा वो देगा तो कोई रोक नहीं पाएगा, नहीं देगा तो कोई ठीक कर नहीं पाएगा, बात खत्म। तौहीद बीमारियों में सब्र देती है। पॉइंट नंबर 6, बुजदिली का खात्मा होता है, कुव्वत और शुजात पैदा होती है, जो आज हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला बुजदिली, गैरों का डर, कौमों का खौफ, लोगों का डर, सबसे बड़ा मसला जो आज इस उम्मत का बना हुआ है वो है बुजदिली, खौफ। अपने अंदर अगर शुजात और बहादुरी पैदा करना चाहते हो ना, इसी तौहीद को जिंदा करो। दलील आप देख लें इस पॉइंट में, पहली दलील देखें, सूरह अनफाल में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो रब्बुल आलमीन पर तवक्कुल और भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। क्या मतलब? क्या अल्लाह ताला हमें कैसी प्यारी प्यारी आयतें, कितनी प्यारी प्यारी बातें बता रहा है, पर अफसोस हम मुसलमानों पे कि हमने सिर्फ रमजान में कुरान को अरबी में पढ़ा, 10-15 बार खत्म किया, उसकी तिलावत कर ली, बात खत्म। हम कहां कुरान को समझते हैं, हम कहां कुरान को समझकर पढ़ते हैं? अगर पढ़ा होता तो इन हालात के अंदर मोमिन कभी बुजदिल ना बनता, कभी उसके अंदर बुजदिली ना आती कि रब्बुल आलमीन कुरान करीम में जब इरशाद फरमा रहा है कि वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है ना, अल्लाह उसके लिए काफी है, अल्लाह काफी है दुश्मन से, तकलीफ से, बीमारी से, आजारी से, परेशानी से, हर चीज से। कौन काफी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुवा हस्बुह, जो रब पर भरोसा करता है रब्बुल आलमीन उसके लिए काफी हो जाता है। और इसी पॉइंट की दूसरी बड़ी प्यारी दलील, बड़ी मशहूर रिवायत लिख लीजिएगा, सुनन तिर्मिजी हदीस नंबर 2516। इस रिवायत को खुद भी याद कर लो, अपने बीवी बच्चों को भी याद करा दो, बार बार उनके दिमाग के अंदर इस हदीस को तर्जुमे के साथ दाखिल कर दो। ये एक हदीस इंशाअल्लाह ये सारी बुजदिली का खात्मा कर देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अनु को इरशाद फरमाते हैं, या गुलाम, ए बच्चे, मैं तुझे कुछ बातें याद करा रहा हूं, उन्हें याद कर ले। क्या बातें? इरशाद फरमाया, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, तू हर जगह उसकी मदद पाएगा। क्या कहा? अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, हर जगह उसको पाएगा, यानी उसकी मदद को पाएगा। और उसके आगे इरशाद फरमाया,
जब कुछ मांगना हो सिर्फ अल्लाह से मांगना, जब मदद की जरूरत पड़े सिर्फ अल्लाह को पुकारना। देखिए नहीं क्या अकीदा, क्या तौहीद, क्या दीन दिया जा रहा है। उसके बाद बुजदिली अंदर आएगी, उसके बाद खौफ आएगा गैरों का, अरे उसके बाद तो सिर्फ शुजात और बहादुरी आएगी कि सारी दुनिया एक तरफ, मेरा दीन और मेरा रब मेरे साथ, दुनिया की किसी ताकत से मैं नहीं डरता। ये बुजदिली का खात्मा करती है ये तौहीद। कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जा अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, हर जगह उसकी मदद पाएगा। जब पुकारना सिर्फ उसी को पुकारना, जब मदद की जरूरत हो सिर्फ उसी को पुकारना। और हदीस का आखिरी जुमला सबसे ज्यादा प्यारा है, आपने इरशाद फरमाया कि सुन, अगर ये सारी उम्मत जमा होकर तुझे कोई तकलीफ देना चाहे, और अल्लाह ना चाहे तो तकलीफ नहीं दे पाएंगे, और ये सारी उम्मत जमा होकर तुझे कोई फायदा देना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो फायदा नहीं दे पाएंगे। सोचिए इसके बाद बचा क्या, कौन सा मसला बाकी बचा इसके बाद, कौन सा डर, कौन सा खौफ, कौन सी ताकत, कौन सी कुव्वत, कौन सी प्लानिंग, सारी एक तरफ। एक ही चीज तो मेरे नबी ने हमें सिखा दी कि याद रखो, अगर रब्बुल आलमीन ये सारी दुनिया मिलकर तुझे एक फायदा देना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो फायदा नहीं दे पाएंगे, और सारी दुनिया जमा होकर एक नुकसान देना चाहे, अल्लाह ना चाहे तो नहीं दे पाएंगे। बात खत्म। काय का डर, काय का खौफ, किस चीज का खौफ, जब मेरा रब मेरे साथ, मेरा खालिक मेरे साथ, मेरा मालिक मेरे साथ। और जब मेरा मालिक मेरे साथ, दुनिया का कोई डर कोई खौफ मोमिन को बुजदिल नहीं बनाएगा, उसकी में बुजदिली नहीं आएगी, बल्कि उसके अंदर ताकत कुव्वत आएगी, और वो कभी दुनिया की ताकतों से नहीं डरेगा जब अंदर में तौहीद मौजूद होगी। पॉइंट नंबर 7, इख्तलाफात का हल और इत्तेहाद का कयाम है तौहीद। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश करना, और उसके बाद अपने तर्ज अमल, अपनी प्लानिंग, अपनी सेटिंग्स को चेंज करने की कोशिश करना, जो आज हम कर रहे हैं। कौम में इत्तेहाद के लिए कोशिशें हो रही है ना, जगह जगह कोशिशें, हर आदमी अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है, सबको एक कर लो, शिर्क चलेगा, बिदत चलेगी, खुराफात चलेगी, हराम चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, बस एक कर लो। ये आपकी हमारी ताकत नहीं एक करना, ये वो करता है, ये उसकी ताकत है मुत्तहिद करना, हमारी ताकत नहीं। लेकिन आज मैं आपको बड़ी अहम बात ये बता दूं कि इत्तेहाद के कयाम का सिर्फ एक जरिया है, वो है तौहीद। तौहीद के बिना कभी इत्तेहाद कायम नहीं कर पाओगे, चाहे कोशिशें कर लो। कई की तंजीमें करती ना हमारे यहाँ कोशिश, हर एक को जोड़ लिया उन्होंने, एक कुरान को अधूरा मानता उसको भी आने दो, सहाबा को गाली देता उसको आने दो, एक अल्लाह के साथ गैरों को शरीक करता आने दो, कैसा भी चलेगा बस एक करो। ऐसा ऐसी एकता आप कभी पैदा नहीं कर पाओगे। इत्तेहाद कायम करना है ना कुरान की आयत में, देखिए कोई बात अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, सब अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह के नबी का फरमान दलील के तौर पर आपको बताते जा रहा हूं। अब इस पॉइंट के इत्तेहाद का कयाम यानी इख्तलाफात के खात्मे का सिर्फ एक जरिया है, वो है तौहीद। दलील सूरह आले इमरान आयत नंबर 64, अल्लाह ताला का फरमान, تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم, आओ उस कलमे की तरफ जो तुम में और हम में एक जैसा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। तौहीद बुला रहे हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, बुलाइए। ये इत्तेहाद की दावत, मुत्तहिद होने की दावत है, कौम को एक करने की दावत है। दावत किस बुनियाद पर, शिर्क की बुनियाद पर, कुफ्र की बुनियाद पर, खुराफात की बुनियाद पर। यहां पर अगर इत्तेहाद कायम करना है तो सिर्फ एक बुनियाद है, वो बुनियाद जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी, उसकी बुनियाद से हटकर सारी जिंदगी लगा दो आप इत्तेहाद कायम नहीं कर सकते। क्या कहा रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम लोगों के ईमानदार इत्तेहाद कायम करना चाहते हो तो तआलू इला कलिमतिन, आओ उस कलमे की तरफ जो हम में तुम में एक जैसा है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना की जाए। यानी तौहीद बुनियाद है, तौहीद पर इत्तेहाद होगा, अगर तौहीद नहीं इत्तेहाद नहीं। आप इत्तेहाद कायम कर ही नहीं सकते, सालों साल लगा लीजिए, लिटरेचर बना लीजिए, प्रोग्राम कर लीजिए, चाहे कुछ कर लीजिए, जब तक तौहीद को आम नहीं करोगे तब तक आप कौम को मुत्तहिद नहीं कर सकते। इत्तेहाद का सिर्फ एक जरिया है, वो है तौहीद। इस पॉइंट की दूसरी दलील भी लिख लीजिए आप, जिसमें इस मसले को और ज्यादा क्लियर बताया गया है, सूरह आले इमरान आयत नंबर 103। अल्लाह ताला यहां पर कहता है कि मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और उसके बाद पूरी आयत का तर्जुमा आप लिख लीजिएगा, मैंने हवाला आपको दे दिया। अल्लाह ताला इसमें जो बेसिक चीज बता रहा है वो ये
कि अल्लाह के नबी, ये जो सहाबा इकराम के दिलों में मोहब्बत है ना, एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे से लड़ते थे, नफरत करते थे, ये सहाबा इकराम के दरमियान जो मोहब्बत है ना, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने डाली। अल्लाह अगर मोहब्बत ना डालता ना, ये एक दूसरे के भाई ना बनते। ये रब्बुल आलमीन ने उन्हें एक किया है, और उसकी बुनियाद क्या है? तौहीद। अब इस पॉइंट को सुनने के बाद अपनी सारी मेहनतों का जायजा ले लीजिए कि आप कहां मेहनत कर रहे हैं, आप कौन सी मेहनत कर रहे हैं, आप किस मेहनत कर रहे हैं, और आपकी मेहनत का आपको क्यों रिजल्ट नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपने मेहनत तो की, पर बुनियाद वो नहीं बनाई जो मेरे और आपके नबी ने बनाई थी, कि अगर इत्तेहाद का कयाम करना है तो उसके लिए एक जरिया है, वो है तौहीद। तौहीद होगी तो इत्तेहाद होगा, वरना आप लाख नारे लगा लीजिए, प्रोग्राम कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप कौम को एक नहीं कर सकते जब तक तौहीद को आम ना किया जाए। नंबर 8, तवक्कुल और भरोसा आ जाता है। तवक्कुल और भरोसा आ जाता है, ये असर होता है तौहीद का। असर क्या हो जाता है? तवक्कुल और भरोसा आ जाता है। डर नहीं, खौफ नहीं, गम नहीं, बुजदिली नहीं, मुनाफिकत नहीं, सब खत्म। तवक्कुल और भरोसा आ जाता है नंबर 8 तौहीद की बुनियाद पर। सूरह फुरकान आयत नंबर 58, अल्लाह ताला का फरमान, वतवक्कल अलल हय्यिल लजी ला यमूत, भरोसा कर उस हय, हमेशा जिंदे रहने वाले पर जिसे मौत आने वाली नहीं। सोचिए नहीं, क्या तौहीद दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में हमें। भरोसा किस पर कर? उस हय पर कर जिसे मौत आने वाली नहीं। अब जिसे मौत आने वाली नहीं, वो हमेशा मेरे साथ है ना, वो हय है ना, वो कय्यूम है ना, वो जिंदा जावेद है ना, और जब वो मेरे साथ है तो कौन सी ताकत मुझे तकलीफ दे सकती? कोई नहीं। तवक्कुल और भरोसा आ जाता है जब तौहीद होती है। अल्लाह ताला इन्हीं छोटे से जुमले के अंदर कितनी बड़ी तौहीद हमें सिखा रहा है, और हमारे मसलों का हमें हल बता रहा है। इस पॉइंट की दूसरी और बड़ी प्यारी दलील आप लिख लीजिए, सही बुखारी हदीस नंबर 2563। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कहते हैं, एक दुआ जो हजरत इब्राहिम ने तब पढ़ी थी जब उन्हें आग में डाला जा रहा था। देखिए, आप तसव्वुर कीजिए, इमेजिन करके देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले अकेले अल्लाह को मानने वाले, सारी कौम बुतों की इबादत करने वाली, आग सामने जला दी गई, गुरेल तैयार है, हजरत इब्राहिम को आग में फेंका जाना है। अब बजाहिर ये नजर आ रहा है कि आग में डालते ही काम खत्म, मैं खत्म, मुझे मार दिया जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, उन्होंने एक दुआ पढ़ी थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। मोमिन जो है ना, दुनिया की ताकतों पर भरोसे नहीं करता, वो इन पे उन पे भरोसे नहीं करता, वो गैरों के कदमों पर नहीं गिरता। मोमिन अपने रब पर भरोसा करते हुए सिर्फ इतना कहता है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है, मैं अपने रब से जुड़ूंगा, इज्जत जिल्लत सब उसका इख्तियार है, जो चाहे मुझे अता कर दे। तौहीद मोमिन को सब्र ताकत के साथ साथ तवक्कुल और भरोसा देती है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, उन्होंने ये दुआ पढ़ी थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, और अल्लाह ने क्या इनाम दिया? आंखों का आग ठड्डी हो जाए, सलामती वाली हो जाए इब्राहिम पर, ये अल्लाह का इनाम था, तवक्कुल और भरोसे की बुनियाद। और अल्लाह के नबी इसी हदीस में कहते हैं, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वा अहज़ाब के मौके पर लोगों ने आकर कहा कि मक्का के सारे दुश्मन जमा होकर आ गए, अंदर से यहूदी जमा हो गए, एक साथ तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा, यानी डरा रहे हैं, आकर खौफ डाल रहे हैं, दिलों में रोब डाल रहे हैं, चारों तरफ की ताकतें दिखा रहे हैं, जब अल्लाह के नबी को लोगों ने आकर डराया कि तुम्हारे खिलाफ सारी ताकतें जमा हो गई हैं, तब अल्लाह के नबी ने इस दुआ को पढ़ा था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। आज हमारे सफों के अंदर जो मुनाफिक बैठे हैं ना, वो मैसे तो डराते हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो रही है, वो प्लानिंग हो रही है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हम अमल करते रहे, हम तौहीद पर जम जाए, हम अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारें, हम अल्लाह के नबी की शरीयत को माने, उसके बाद हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, वो है कारसाज, सब देख लेगा। ताकतें पहले भी आई, फिरौन ने बड़े बड़े दावे किए, वो कहता था सबको मिटा दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी समंदर में रास्ता बनाकर निकल गए जहां पर फिरौन को डुबा दिया गया। वो अल्लाह है,
हसबन अल्लाह व निअमल वकील, ये मशहूर हदीस है। इस हदीस को अपने जहनों में जिंदा रखना कि रब्बुल आलमीन तवक्कुल और भरोसा डाल देता है तौहीद की बुनियाद पर। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, दुश्मनों का खौफ निकल जाता है, तौहीद का ये असर होता है, तौहीद का ये फायदा होता है कि दुश्मनों का डर निकल जाता है, खौफ निकल जाता है, कोई खौफ उसके दिल के अंदर नहीं होता। सूरह आले इमरान आयत नंबर 151, अल्लाह ताला का फरमान, सनुल्की फी कुलूबिल्लज़ीन कफरू रुअबा, यकीनन करीब है वो वक्त कुफ्र करने वालों के दिलों में हम रुअब डाल देंगे, यानी तुम्हारे दिलों में रुअब नहीं रहेगा, तुम्हारे दिलों में नहीं रहेगा बल्कि दुश्मनों के दिलों में रुअब डाल दिया जाएगा, खौफ डाल दिया जाएगा, तुम्हारे दिल से अल्लाह ताला खौफ निकाल देगा, डर निकाल देगा। पर कब? कुफ्र करने वालों के दिलों में डालेगा, यानी उसके अपोजिट कौन हुए? ईमान रखने वाले। एक अल्लाह को मानने वालों के दिलों में अल्लाह ताला शुजात और बहादुरी पैदा कर देता है जब उनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला की जात पर यकीन और तवक्कुल होता है। नेक्स्ट, इज्जत और सरफराजी का जरिया है तौहीद। तौहीद का असर बता रहा हूं मैं आपको, तौहीद का क्या असर एक इंसान की जिंदगी पर होता है, इज्जत और सरफराजी मिलती है तौहीद की बुनियाद पर। दलील, अल्लाह ताला का फरमान, सूरह आले इमरान आयत नंबर 139, वला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल अअलून इन कुंतुम मुमिनीन, तुम डर ना रखो, खौफ ना करो, हुज़्न मलाल ना करो, यकीनन तुम इज्जत वाले रहोगे अगर तुम मोमिन रहोगे। देखिए अल्लाह ताला, यानी अल्लाह ताला के ये सारे वादे हैं और उन वादों पर एक मोमिन को आज यकीन नहीं है ना, यकीन है दिल के अंदर, डरते हैं हम तो सबसे, कहाँ है यकीन? तौहीद नहीं मानेंगे, बाकी दुनिया की सारी बातें मानेंगे, इसको पुकारना, उसको पुकारना, इसके आगे झुकना, इससे मांगना। अल्लाह ताला कह रहा है कि ना वहन, दिल में ना डर रखो, ना हुज़्न मलाल करो, यकीनन तुम इज्जत वाले रहोगे अगर तुम मोमिन रहोगे। यानी शायद में इसका अपोजिट ये भी पता चल गया, अगर मोमिन नहीं रहोगे तो अल्लाह इज्जत नहीं देगा, अल्लाह इज्जत नहीं देगा, इज्जत का देने वाला अल्लाह, और वो इज्जत तभी देगा जब तुम मोमिन बनोगे, तुम्हारे दिलों में ईमान रहेगा, जब तुम्हारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला का डर रहेगा, एक अल्लाह की इबादत रहेगी, तौहीद रहेगी, तो रब्बुल आलमीन तुम्हें इज्जत देगा। उसके बाद एक आयत का मैं हवाला देता हूं, उस आयत को खुद आप पढ़िएगा इंशाअल्लाह, सूरह निसा आयत नंबर 139, जिसमें अल्लाह ताला ने और ज्यादा ओपन, बिल्कुल खुले अंदाज के अंदर हमें समझाया कि यकीनन वो लोग जो मोमिनों को छोड़कर गैरों को अपना साथी और दोस्त बनाते हैं, क्या वो समझते हैं उनके पास इज्जत मिल जाएगी? फाइनल इज्जत अलिल्लाहि जमीहा, यकीनन सारी इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास। कहां गया तुम्हारा यकीन ए कौम, ए लोगों, कहां गया तुम्हारा तवक्कुल और भरोसा कि अल्लाह ताला कह रहा है कि इज्जत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास है, वही इज्जत वही जिल्लत का देने वाला है। जितने हमारे मौजूदा मसाइल है ना, सारे मसाइल का सिर्फ एक हल है, वो है तौहीद। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर ये बात और ज्यादा क्लियर कर रहा है। नंबर 10, नंबर 11, अखलाक बेहतर बन जाता है जब अंदर तौहीद होती है। ये भी एक हमारा बड़ा मसला है, बद अखलाकी, बदतमीजी, गिबत, चुगलखोरी, हराम, लोगों को तकलीफ देना, माल पर हराम कब्जा करना, जहां जैसा मुमकिन हो लोगों को परेशान करना, ये बद अखलाकी जो है ना, ये वही करता है जिसके पास तौहीद नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सही बुखारी हदीस नंबर 5185, और इसी तरह सही बुखारी 6018, दो हवाले आप लिख लीजिए, सही बुखारी हदीस नंबर 5185, दूसरा सही बुखारी 6018। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अखलाकी बातें सिखाई, तो देखिए सिखाने का अंदाज क्या है इसी तौहीद के जरिए। इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन वल यस्मुत, तुम में से जो अल्लाह पर ईमान रखता है यानी तौहीद और आखिरत पर ईमान रखता है, जब बोले अच्छा बोले, नहीं तो खामोश रहे, जबान पर कंट्रोल। आज हम कैसे करते हैं ना, किसी की इज्जत उछाल देना, बदतमीजी कर देना, गीबत कर देना, चुगलखोरियां कर देना, ये सारे काम वो करता है जिसके पास तौहीद नहीं होती। अगर तौहीद होती ना तो बंदा ये काम नहीं करता,
अल्लाह ताला अल्लाह के नबी बता रहे हैं कि तुम में से अगर कोई अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है, जब बोले अच्छा बोले, नहीं तो खामोश रहे, ज्यादा ना बोले। तौहीद बाखलाक बनाती है, अल्लाह पर यकीन मोमिन को बाखलाक बनाता है, अच्छा अखलाक वाला बनाता है। आज क्या है हमारी जिंदगी, क्या है हमारा समाज, क्या है हमारा माशरा, बद अखलाकी का एक नमूना। क्या वजह है? यही तौहीद। जब तौहीद अंदर से गायब होती है ना, न जाने कितनी बुराइयां अपने अंदर पनपने लगती है। और ऐसा एक दो नहीं, इसी हदीस के अगले टुकड़ों में कहा कि अगर तुम में से कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करे। अगर तुम में से कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, पड़ोसी को परेशान ना करे। क्या क्या अखलाक सिखाया, क्या क्या किरदार सिखाया, किस चीज के जरिए? इसी तौहीद के जरिए, कि अगर तुम में से कोई अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, पड़ोसी को तकलीफ ना दे। अगर ईमान है तो शर्त लगा दी, यानी अगर कोई पड़ोसी को परेशान कर रहा है, इसका मतलब अब तौहीद नहीं है उसके दिल के अंदर, अल्लाह और आखिरत पर यकीन नहीं है उसके अंदर। अगर कोई तुम में से जबान पर कंट्रोल नहीं करता, गोया कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं है उसका, अगर होता तो यकीनन वो अपनी जबान पर कंट्रोल करता। अखलाक बेहतर बनता है जब बंदा हकीकी मायनों के अंदर तौहीद को मानता है। नंबर 12, जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। मैं बाप हूं तो मेरी क्या जिम्मेदारी है? आज हम लोग कैसी गैर जिम्मेदार जिंदगी जीते हैं ना, शादी करके लाए औरत को छोड़ दिया, कोई केयर करने की जरूरत नहीं, बच्चे हो गए बच्चों को छोड़ दिया, कोई केयर करने की जरूरत नहीं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, हराम की तरफ जा रहे हैं, न जाने क्या क्या हराम कर रहे हैं, कोई फिक्र नहीं। ये कब आती है जानते हैं? जब तौहीद अंदर होती है। तौहीद बंदे को जिम्मेदार बनाती है, हर जिम्मेदारी को वो निभाना चाहता है। क्यों? दलील आप इसकी लिख लीजिए, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1829। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन वकुल्लुकुम मसूलुन अन रईयतिही। तुम में से हर एक जिम्मेदार है और अल्लाह हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल करेगा, सबसे पूछा जाएगा, सबसे सवाल किया जाएगा, हर जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बीवी से औरत, बीवी से घर के बारे में सवाल, शोहर से बीवी बच्चों के बारे में सवाल, माँ बाप है तो औलाद के बारे में सवाल, औलाद है तो माँ बाप के बारे में सवाल, यानी हर एक से अल्लाह ताला सवाल करेगा और उस सवाल का तुम्हें जवाब देना होगा। लेकिन जब यकीन हो तब ना, अल्लाह है, तौहीद है, अल्लाह एक है, कयामत होगी, हिसाब होगा। अब जिसको यकीन ही नहीं है, कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी बीवी, कौन से बच्चे, कौन सा हक, वो तो बाजारों के अंदर वक्त जाया करता है रात की 2 बजे तक, दोस्तों को खाना खिलाता है, घर में पूछता भी नहीं है, हर काम बाहर करता है, घर वालों का ख्याल नहीं रखता है। औरत है तो शोहर का ख्याल नहीं, शोहर है तो बीवी का ख्याल नहीं, बच्चे हैं तो माँ बाप का ख्याल नहीं, माँ बाप है तो बच्चे का ख्याल नहीं। कब होता है ऐसा? जब तौहीद नहीं होता। लेकिन अगर आपने खून में तौहीद डाल दी, बच्चे को बचपन से तौहीद सिखा दी, 2 साल 3 साल का बच्चा हुआ उसे बताया अल्लाह एक, वही खालिक, वही मालिक, वही राजिक, वही इज्जत का देने वाला, वही जिल्लत का देने वाला, तो आपकी औलाद के अंदर जब ये हक आ जाएगा ना, तो वो हकूक को समझेगा, जिम्मेदारियों को समझेगा और जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करेगा। बड़ी शॉर्ट में मैं बातें कर रहा हूं। नेक्स्ट, हराम, जो हमारे बच्चे हराम की तरफ जा रहे हैं ना, और सारी उम्मत परेशान, बच्चे गैरों में रिश्ते कर रहे हैं, कुफ्र में रिश्ते कर रहे हैं। बच्चों को कुफ्र से रोकने का जरिया है तौहीद, बच्चों को कुफ्र से रोकने का जरिया है तौहीद। पर हम कब जागते हैं? जब बच्चे 18-19-20 साल के हो जाते हैं। बच्चे कहाँ पढ़ रहे मतलब नहीं, कहाँ खेलते मतलब नहीं, किससे ताल्लुकात मतलब नहीं, कहाँ पढ़ रहे मतलब नहीं, चाहे जो करे। लेकिन जब 19-20-21 साल के हो जाएं और हराम रिश्ता बन जाए, कुफ्र में रिश्ता बन जाए, तब हमें फिक्र होती है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बच्चियां कहां जा रही हैं, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। उस वक्त फिक्र करने से कुछ नहीं होगा, इन बच्चों को बचपन से बताना होगा कि तौहीद क्या है, बचपन से तौहीद सिखाई तो ये हराम से बचेंगे। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है आज, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, कहां उनकी जिंदगियां गुजर रही है। कितनी ऐसी मोमिना खवातीन, मोमिना घर की बच्चियां हैं जो आज कुफ्र में जिंदगियां गुजार रही हैं। वजह जानते हैं क्या? यही तौहीद। तौहीद के लिए मेहनत ना करना, बच्चों पर मेहनत ना करना, उन्हें तौहीद ना सिखाना। और इसके लिए तो दलील की जरूरत नहीं, पूरा कुरान, पूरी हदीस भरी पड़ी है कि तौहीद कितनी सिखाना थी हमें, कितनी मेहनत करना थी हमें तौहीद के ऊपर, जो मेहनत हमने नहीं की। अगर मेहनत की होती तो यकीनन हमारी औलाद हमारी फरमाबरदार होती,
हक की तरफ आती। अरे जब उसे ये पता हो कि तौहीद की अहमियत क्या है, तौहीद की फजीलत क्या है, तौहीद के बिना जिंदगी नहीं, तौहीद के बिना आखिरत नहीं, तौहीद के बिना जन्नत नहीं, तौहीद के बिना अल्लाह ताला की माफी नहीं, अब ये सब चीजें जब पता हो तो कुफ्र बुरा लगेगा ना। लेकिन जब वो सिखाया ही नहीं तो कुफ्र से मोहब्बत हो जाती है ना, कुफ्र अच्छा लगने लगता है। तो अपने बच्चों को अगर दीनदार बनाना है और हराम से दूर करना है तो यही तौहीद आपको फायदा देगी। कितने असरात में आपको बताऊं, कितने मसाइल में आपको बताऊं, वक्त कम पड़ जाता है, मुझ जैसे की ताकत सलाहियतें और दलीलें कम पड़ जाती है क्योंकि मेरे पास इतना इल्म नहीं। फिर भी जितनी बातें मैंने आपके सामने रखी मौजूदा मसाइल के ताल्लुक से, अगर आप समझ पाए, अगर आप वहां तक पहुंच पाए, तो याद रखो हमारे आज जितने भी मसाइल हैं उनका सिर्फ एक हल है, तौहीद। वो तौहीद जो पांच वक्त में हम नमाजों के अंदर पुकारते हैं, खड़े होकर हाथ बांध कर कहते हैं ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तेरे आगे झुक गया, तेरे आगे रुकू कर लिया, तेरे आगे सजदा कर लिया। रोजा रखते हो तो वही तौहीद, अल्लाह तेरे लिए भूखा हूं। जकात देते हो तो वही तौहीद, अल्लाह तेरे लिए माल खर्च कर रहा हूं। हज करते हो तो वही तौहीद, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये हर कदम पर जो तौहीद का ये पूरा रब्बुल आलमीन ने निजाम बनाया, मकसद था तुम मसाइल से बच जाओ, तकालीफ से बच जाओ, परेशानियों से बच जाओ, और अगर परेशानी आ भी जाए तो तुम उसका मुकाबला करना सीख जाओ। ये सारी ट्रेनिंग देती है तौहीद। तौहीद को अपनी जिंदगी बनाओ, बच्चों पर मेहनत करो, घर वालों पर मेहनत करो, समाज और मुआशरे पर मेहनत करो, क्योंकि मेरे और आपके नबी की ये तौहीद पर मेहनत है कि आज अपने शहर के अंदर बैठकर अगर हम कलमा पढ़ते हैं तो ये मेरे और आपके नबी की मेहनत है। उनकी मेहनत को जाया मत करो, इस दीन की मेहनत को जाया मत करो। अपने मसाइल का हल तलाश करने के लिए इधर उधर मत भागो, ये कुरान और हदीस तुम्हारा हल है और इसमें तौहीद तुम्हारा हल है, इससे अपनी जिंदगी बनाओ। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मसाइल को हल कर देगा, आसानियां पैदा कर देगा। तो आज के इस टॉपिक के अंदर मेरे बताने का सिर्फ इतना मकसद कि आज हमारे जितने भी मसाइल हैं उसका एक हल है, वह है तौहीद। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ए इलाही मौलाए रब्बुल आलमीन, ए खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन तू गफूर है तू गफ्फार, तू रहमान है तू रहीम, तू अव्वल है तू आखिर है, तू जाहिर है तू बातिन है, तू समी है तू बसीर, तू अलीम है तू खबीर। ए अल्लाह हम तेरे मोहताज तेरे फ़कीर, अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह हमारी खताओं और लगदिशों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह जाने अनजाने में जो गुनाह हो जाते हैं उसे माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह अज़ाब क़ब्र अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा दे, ए अल्लाह जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, ए अल्लाह जो कर्ज़ों में डूबे हैं कर्ज़ की अदायगी की राहें खोल दे, इलाही हलाल कारोबार में खूब बरकत अता फरमा दे, ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले, ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।